हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 20 और 21 तारीख को लगा हुआ है और ऐसे में समय बहुत कम बचा है दोस्तों। हम अपने चैनल पे उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों और कई सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास हो तो प्लीज़ करवा दीजिए, ताकि हमें उसका लेवल पता चल सके कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, ताकि हम वही पढ़ें जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। तो आज मैं आपके इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाला दोस्तों। अभी आपके सामने दिख रहा है लाइव क्लास का शेड्यूल। आप लोग कह रहे थे कि सर शेड्यूल तैयार कर दीजिए और लाइव क्लास चलाइए, तो आज मैंने आपके लिए शेड्यूल बना दिया है दोस्तों। देखिए, आपके सामने शेड्यूल दिख रहा है आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का समान हिंदी का 5 बजे आएगा, आपका समान ज्ञान का 7:05 बजे आएगा। सारे वीडियो 5 बजे के बाद स्टार्ट होंगे, लाइव क्लास होंगे। शाम 5 बजे आपका समान हिंदी होगा, 7 बजे शाम को आपका समान ज्ञान मैथमेटिक्स का क्लास होगा, 9 बजे रात को, और 10 बजे आपका होगा इंग्लिश का। उसके बाद एक यूपी लेखपाल समान हिंदी जो अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, जनवरी के आखिरी मंथ में, आखिरी सप्ताह में आने वाली है दोस्तों, संभावना है पूरी, और क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। तो आज से आपको 8 बजे यूपी समान हिंदी का भी लाइव मिलेगा, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई करने वाले दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसमें खाली, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसी टाइम पर आप लोग आ जाए कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास उच्च न्यायालय इलाहाबाद 12 नवंबर 2017 को आयोजित का पेपर है दोस्तों। समूह गा के लिए सी ग्रुप और डी ग्रुप सभी का एक ही है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूं, दोनों लोग आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस पेपर। तो आज मैं इस वीडियो में हिंदी का सॉल्व करवाऊंगा दोनों ईयर का। देखो, समय बहुत कम है, इसलिए 25-25 क्वेश्चन दोनों सेट का मैं हिंदी का यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आपको आज ही दोपहर में 1 से 2 के बीच में आपको मैथ का मिलेगा प्रीवियस पेपर का, ऐसे ही इंग्लिश का और समान ज्ञान का भी करवा देंगे आज ही तक, जहाँ तक आज या कल तक हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे दोनों सेट आपको। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए पूरा सेट हमारे पास है, इसका हिंदी हम पेपर का हिंदी करवाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए। शाम 5 बजे से सारी क्लासेस भी आएंगी आपकी, एक्स्ट्रा जो आपको दिन में मिलेगा वो प्रीवियस पेपर का वीडियो मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर भी आप लोग करते जाइएगा, ताकि देखिए कितना आपकी तैयारी है। देखिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो यहां पर पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, पुष्प धन अंजलि बराबर पुष्पांजलि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, वचन बदलिए, आत्मा का वचन बदलिए, ठीक है, एक वचन में है आत्मा तो इसको बहुवचन में करिए आत्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दें आप लोग, जल्दी से उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। और ये जो प्रीवियस पेपर करवा रहा हूं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। जो मैंने शाम की क्लासेस का शेड्यूल दिखाया है, वो क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन दिन में आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस का वीडियो भी मिलेगा, जिसमें मैं 2 सेट का एक ही में करवाने वाला हूं। आज मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर 2 सेट का मैंने लिया है प्रीवियस पेपर का, 50 क्वेश्चन, 25-25, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मैं नहीं चाहता वरना मैं 25-25 कराता, टाइम वेस्ट होगा आपका और समय बहुत कम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से, ये आत्माएं होगा, यानी आत्मा एक वचन में है, इसका बहुवचन में बदलेंगे तो आत्माएं हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, वाक्यांश को क्रम से लिखिए, तो यहां पर देखिए क्रम में लिखना है इसको, ये एक वाक्यांश है, इसका जो क्रम है ये अपसेट है, इसको सेट करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो आप लोग पूरा पढ़िए और इसको सही ढंग से क्या किस सीक्वेंस में बैठेगा, ऑप्शन भी दिया गया है, जल्दी से चुनके कमेंट कीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में अगर आप सेट करेंगे, ठीक है, पर दूसरा सेंटेंस पहले, फिर तीसरा सेंटेंस, फिर पहला सेंटेंस, फिर चौथा सेंटेंस, इस तरीके से सेट करेंगे तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, लिंग बदलिए, अब अध्यापक शब्द दिया गया है, इसका लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है, यानी ये पुल्लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर में हुआ है पेपर आयोजित, ठीक है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन यहां तक पूछा जाएगा, और आपको इसी लेवल का मैं तैयारी भी करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे को डाउट था कि सर आप हाई लेवल का करवाइए, बहुत लो लेवल का करवा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए इसको करवा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए ही है, आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, अध्यापिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, विशेषण बदलिए, ठीक है, तो यहां पर गति लिखा है, इसका विशेषण बदलिए, आपको बदलना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें आप लोग जल्दी जल्दी, आप लोग आंसर भी करते जाइए, ताकि आपको भी पता चले कि अगर मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं 25 में से। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से उत्तर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, गतिशील,
ठीक है, इसको विशेषण में बदलना था, गति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए संधि विच्छेद कीजिए, तो पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शंस में से सही उत्तर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि के बिना बिना है उसे आ बा सा द के द्वारा सूचित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको त्रुटि पहचानना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको द ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई त्रुटि नहीं है और आपको किस भाग में त्रुटि नजर आ रहा है उसको आप लोग सिलेक्ट कीजिए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सा पार्ट में त्रुटि है यहां पर, यानी कि स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है, तो माँ सोती है इसको भूतकाल में बदलना है आपको, तो कौन सा भूतकाल का सेंटेंस है? चारों ऑप्शन में जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, माँ सोती थी, ये भूतकाल में हो गया। ठीक है, और ये माँ सोती है ये आसन्न भूत हो जाता है। ठीक है, काम जारी है अभी, ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए विलोम शब्द लिखिए, एकता, एकता का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, अनेकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विलोम शब्द लिखिए, तो आपको विलोम शब्द बताना है, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है, दरिद्र। ठीक है, धनी है और धनी का उल्टा यानी विलोम आपका दरिद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेषण में बदलिए, तो गुलाब का विशेषण में बदलना है, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, गुलाब जो है ये विशेष है और गुलाबी इसका विशेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए समानार्थी शब्द लिखिए, कुबेर का समानार्थी शब्द, यानी कि कुबेर से कई अर्थ निकलते हैं तो उसी का कुबेर का कौन समान अर्थ देता है? ठीक है, तो जल्दी से उत्तर करें। चार ऑप्शन में से 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, धनराज। ठीक है, धनराज कुबेर का समानार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, मुहावरे का अर्थ लिखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से चार ऑप्शन पढ़ें आप लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से, ये आवश्यकता से बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको सामने दिख रहा है, वाक्य शुद्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया, तो इस वाक्य को शुद्ध करना है आपको, तो चार ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य बनेगा इस वाक्य का, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, ये सही हो जाएगा। देखिए मेले में बच्चा खो गया, यहां पर मेले को प्रधानता दी गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चा मेन चीज है ना यहां पर। ठीक है, तो बच्चा मेले में खो गया, तो इसलिए बच्चा आगे रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए वाक्य शुद्ध कीजिए, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, तो इसको भी वाक्य शुद्धि करना है आपको। 15 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, ना कि काट कर सेब खिलाओ, पहले सेब आएगा फिर काट कर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए समानार्थी शब्द चुनिए, चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, जल्दी से उत्तर दें। 16 नंबर का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, चालाक। ठीक है, चतुर का चालाक भी समानार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए भविष्य काल में बदलिए, तो बच्ची रो रही थी, तो ये भूतकाल में है, इसको आपको भविष्य काल में बदलना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस भविष्य काल में है, बच्ची रो रही थी की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बच्ची रो रही होगी, ये आपका भविष्य काल में है, क्योंकि बाकी या आपका यहां पर होता कि बच्ची रो रही है, ये आपका जो है ये नहीं होगा। ठीक है, बच्ची रो रही होगी, ये आपका भविष्य काल में हो जाएगा।
वर्तमान में हो जाएगा। देखिए ये आपका जो सी सही सी आप लोग कुछ लोग लगा रहे हैं, तो कोई बच्ची रो रही है तो ये भूत भूतकाल में नहीं है, लेकिन ये वर्तमान में कह रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में नहीं होगा, आपसे पूछ रहा है भविष्य काल में, आगे की पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये नहीं ऑप्शन सही होगा, सी वाला नहीं, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वचन बदलिए। तो भाला का वचन बदलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दें आप लोग, भाला का वचन बदलना है आपको, यानी भाला एक वचन में, इसको बहुवचन में बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर से हो जाएगा, भाले, ये बहुवचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, मुहावरे का अर्थ लिखिए, उल्टी गंगा बहना, तो इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, जल्दी से उत्तर करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, विपरीत काम करना, मतलब उल्टी गंगा बहना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए लिंग बदलिए। तो बंदर का लिंग बदलना, नहीं बंदर पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में बदलना है आपको। तो 20 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, बनरिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 से 25 तक अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए, यानी ये जो गद्यांश दिया गया या अवतरण दिया गया है छोटा सा, इसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जो लोग ध्यान से सुनेंगे वही इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर इसी में छिपा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, आज समाज में अपराध और बुराइयाँ दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है, हिंसा द्वेष वैमनस्य शत्रुता आदि विकारों के उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है, प्रेम सुखी जीवन का आधार है, प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मात्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि, प्रेम का रूप चाहे, आगे पढ़ते हैं देखिए, प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है, प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और उनके समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है और वह है प्रेम। तो दोस्तों ये था एक अवतरण, इस पे आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, काफी अच्छा अवतरण था, इससे हमें काफी सीख मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है? चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है व्यापार को बढ़ाने की भावना, कला के विनिमय की भावना, बंधुत्व की भावना, या फिर ऑप्शन डी है प्रेम की भावना। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दें फटाफट आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर सही है, प्रेम की भावना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रेम के कितने रूप होते हैं बताइए, इसी अवतरण में बताया गया है प्रेम के रूप, तो जल्दी से उत्तर करें, 22 का उत्तर दीजिए। देखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए बी सी और देश प्रेम, यानी कि तीनों प्रेम बताया गया है और देश प्रेम भी एक प्रेम का प्रकार होता है, रूप होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दें आप लोग, ऑप्शन पढ़ें और जल्दी से आंसर करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही हो जाएगा प्रेम का अभाव। ठीक है, प्रेम का अभाव ही कारण है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्य का मूल कारण प्रेम और अभाव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रेम का अभाव 24 नंबर क्वेश्चन है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक क्या होगा? अगर आपको कहा जाए कि जो मैंने अवतरण पढ़ा है इसका अगर टाइटल रखना चाहे, इसका शीर्षक रखना चाहे, तो क्या होना चाहिए? इन चार ऑप्शन में से जल्दी से बताइए आप लोग, उपयुक्त शीर्षक बताना है, उचित शीर्षक आपको। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेम का महत्व बताया जा रहा है यहाँ पर, कि प्रेम के वजह से क्या क्या चीजें हमारे समाज में बदल सकती हैं, कितनी शक्ति होती है प्रेम में, यही चीज बताने की कोशिश की गई है इस अवतरण में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है,
आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन है, मित्रता की भावना जगानी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन डी है एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए आतंकवाद को मिटाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला पेपर सेट सॉल्व हो गया है। दोस्तों अब हम दूसरे की तरफ चलेंगे, दो सेट सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ऐसे ही दो दो सेट करके सारे सब्जेक्ट हम आज ही करवा देंगे जहां तक है। जो बचेगा कल हो जाएगा आपका, आज आपके एक से एक बजे से दो बजे के बीच में मैथ का आ जाएगा, उसके बाद ऐसे करके हिंदी और इंग्लिश का भी करवा देंगे, सामान्य ज्ञान और हिंदी का भी करवा देंगे। देखिए कोई सेट टू है ये, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है, तो इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो इस शब्द में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है इस लाइन में, इस पंक्ति में, बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा जो व्यक्तिवाचक है। अभी यहां पर नदी जो है, ये जो नदी है ये आपका क्या है, ये आपका जातिवाचक है। ठीक है, एक जात बता रहा है। ठीक है, आपका समुद्र भी है जातिवाचक है, तो गंगा जो है, गंगा नाम बताया गया, नदी का नाम बताया गया, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दूध का रंग डैश है, तो इसका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर दो का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, सफेद, दूध का रंग सफेद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए सामने क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया क्या हो रहा है ये आपको बताना है। तीन का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, सीखती है, क्रिया क्या हो रहा है, सीखना हो रहा है क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, देखिए क्रिया चुनिए, इसमें भी क्रिया चुनना है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, तो यहाँ पर क्रिया कौन सा है? आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बनाती है, क्या खाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ, समान अर्थ वाले शब्द चुनिए। तो वृक्ष का ऐसा कौन सा इन चारों में से शब्द है जो समान अर्थ देता है? क्वेश्चन नंबर पांच का उत्तर दें आप लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पेड़। पेड़ और वृक्ष एक ही शब्द, एक ही अर्थ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छह है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनिए, यानी पीछे का विलोम शब्द सीधा सीधा बात कर रहा है, यहां पर पीछे का क्या होगा? तो यहां पर छह नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पीछे का आगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सात है, लिंग बदलिए। तो शेर स्त्रीलिंग है, शेर है, तो इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। सात का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर सात का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहां पर सही हो जाएगा, शेरनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है, देखिए वचन बदलिए। आंख बहुवचन है, तो आंख का बहुवचन बदलना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर दें आप लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ है, लिंग बदलिए, माता को पुल्लिंग में बदलना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी का उत्तर सही है, पिता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दस है, देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोयल का रंग डैश होता है, चार ऑप्शन है, नीला, काला, पीला, सफेद, तो कोयल का रंग कैसा होता है आपको बताना है। दस का उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, काला, कोयल का रंग काला होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। ठीक है, तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, 11 का उत्तर दें आप लोग। देखिए दोस्तों ये वाला जो सेट मैं करा रहा हूँ, दूसरा सेट, ये थोड़ा आपको इजी लग रहा होगा पहले वाले सेट के कंपेयरिंग। ठीक है, क्योंकि पहला वाला सेट आपके लिए ग्रुप सी के लिए था, ये वाला सेट जो है ये ग्रुप डी का है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ग्रुप डी और ग्रुप सी के लेवल में। ठीक है, क्वेश्चन लगभग समान रहेंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादातर वन क्वेश्चन के पूछेंगे, यानी कि आपको पूछेंगे पर्यायवाची ज़्यादा पूछेंगे, विलोम ज़्यादा पूछेंगे, स्त्रीलिंग में परिवर्तन पूछेंगे, पुल्लिंग में परिवर्तन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल इससे ज़्यादा हाई है, वो भी ईजी है, कोई खास टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखा होगा जो मैंने पहले सेट कराया है दूसरा। तो ये ग्रुप डी का पेपर है, वो जो पहले कराया था ग्रुप सी का, दोनों लोग करिए आप लोग, दोनों लोगों का अच्छे से सॉल्व करिएगा, अच्छा हो जाएगा, आपको पता चलेगा लेवल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है,
देखिए यहाँ पर 11 था, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इस पंक्ति में? तो 11 का कई लोगों ने उत्तर सही दिया ऑप्शन डी से, तुम लोग, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुषवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनिए। तो मोटा का उल्टा क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा, 12 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पतला। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लिंग बदलिए। तो कुत्ता है, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी से बताएं। 13 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुतिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूं, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैं जो है ये पुरुषवाचक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए सामने दिख रहा है आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इस पंक्ति में, इस वाक्य में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ऑप्शन ए, नाम यहाँ पर आ गया मोहन, ठीक है, मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मोहन शब्द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनिए। तो नया का विलोम क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पुराना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बाघ का अर्थ बताइए, बाघ का समान अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, बगीचा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, फूल। तो फूल का समान अर्थ कौन सा दे रहा है यहां पर? सीधा सीधा समझ लीजिए, पर्यायवाची पूछ रहा है, समानार्थ और क्या। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, पुष्प। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, देखिए लिंग बदलिए, नौकरानी है तो इसको पुल्लिंग में बदलना है आपको, बहुत ही सही उत्तर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए से हो जाएगा, नौकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, वचन बदलिए। तो बच्चा है, इसको बहुवचन में बदलना है, तो कौन सा शब्द आएगा, बच्चा का बहुवचन कौन सा होगा? 21 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, बच्चे, बच्चे बहुवचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए वचन बदलिए। तो लड़कियों का वचन बदलना है, नहीं, लड़कियां एक वचन में बदलना है, इसको बहुवचन में है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, लड़की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तोते की चोंच डैश होती है, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही है, नीला होता है, सी ऑप्शन लाल होता है, ठीक है, तोते की चोंच लाल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो इसमें कौन सा क्रिया है, जल्दी से उत्तर करें। 24 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही, यहाँ पर खेलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों? तो जल्दी से फटाफट उत्तर कीजिए आप लोग दोस्तों। देखिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप जो है ये पुरुषवाचक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप सी और ग्रुप डी का दोनों ही प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया दोस्तों, और आप लोगों ने दोनों का पेपर का डिफरेंट पता चल गया होगा, क्या लेवल है दोनों का। देखिए दोनों का पेपर ईजी है, आपने पहला पेपर देखा होगा तो वो तो एकदम हलवा लगा ही होगा, लेकिन जब आपने ये पेपर देखा होगा तो ये तो बिल्कुल एकदम आपको बहुत ईजी है, वो भी बहुत ईजी था, लेकिन उसके कंपेयरिंग थोड़ा सा इसको और लो किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दो ही तीन चीज़ों पर घूम रहा था पूरा पेपर। एक था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दूसरा आपको वचन में बदलना था, तीसरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदलना था, ठीक है। तो यही दो तीन, एक और एक चीज था संज्ञा, यही तीन चार टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो इससे ज्यादा इजी पेपर बन भी नहीं सकता है दोस्तों, इसी लेवल का आएगा, मैंने इसीलिए करा दिया कि आप लोगों को लेवल पता चल जाए दोस्तों। और अब हमारे साथ जुड़ जाइए, शाम को 5 बजे मैंने शेड्यूल दिखा है आपको, फिर से मैं शेड्यूल दिखा रहा हूं, इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइम पर आ जाए कीजिए दोस्तों। लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं,
देखिए आपको इसी टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसी टाइम को आपको शाम से 5 बजे बैक टू बैक क्लासेस मिलेगी, हर घंटे लाइव क्लासेस होंगे दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए देख के चेक करके, अगर ऑन ना हो तो ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आपको इसी टाइम पर हमारे चैनल पर विजिट करना है, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और लेखपाल का भी क्लास लीजिएगा, 8 बजे से है क्योंकि भर्ती आने वाली दोस्तों। अगर आप पहले से ही अगर आप देखने लगेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें समझने लगेंगे दोस्तों, तो आपको आगे चल के आसानी होगी, क्योंकि देख रहे हैं समय बहुत कम मिलता है आजकल परीक्षाओं में। इस परीक्षा में देख रहे हैं कितनी जल्दी अचानक से इसका डेट दिया गया, 1 महीना भी टाइम नहीं दिया गया दोस्तों, तो कोई पता नहीं है, क्योंकि आजकल पेपर इतना लीक होता है कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कब पेपर का डेट अनाउंस कर दें दोस्तों। तो इसीलिए प्रिपेयर रहे, पहले से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेखपाल की भर्ती की तैयारी, ताकि हमारी भर्ती ये सुनिश्चित हो सके और एक बार एक सिलेक्शन हम ले सकें किसी न किसी भर्ती में दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इसी टाइम पर आ जाइएगा दोस्तों। हमने पेपर का लेवल दिखा दिया, इसी लेवल से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी कराएंगे। देखिए हमेशा आप लोग एक कदम आगे पढ़ के जाएंगे तो ही आपको पेपर इजी लगेगा वहां पर, ठीक है। अगर आप इससे भी लो पढ़ के जाएंगे तो ये पेपर आपको टफ लगने वाला है वहां पर, लेकिन अगर आप इस लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ के जाएंगे तो वहां पर जब पेपर आपको ये दिखेगा तो एकदम हलवा लगेगा, आपको लगेगा बहुत सब सब कुछ आता है मुझे, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा टफ लेवल का भी क्वेश्चन हम करवाते हैं तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। पहला सेट, दोनों सेट का मैंने हिंदी करवा दिया है, अभी दोनों सेट का 3 पार्ट बाकी, यानी इंग्लिश, जीके और मैथ। ये भी मैं जल्दी से 1 से 2 के बीच में आज ही दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में दोनों सेट का मैथ का सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद समान ज्ञान, और उसका भी बता दिया जाएगा उसी सेशन में कि कब आपको समान ज्ञान और इंग्लिश कब मिलेगा प्रीवियस पेपर का वीडियो। और बाकी 5 बजे से डेली लाइव होगा, जो शेड्यूल दिखा रहा हूं दोस्तों इसी टाइम पर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं रात शाम 5 बजे से और 1 बजे आ जाइएगा, 1 से 2 के बीच में आपको मैथ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।